छिंदवाड़ा का देवगढ़, जहां जमीन के अंदर दबी थी सदियों पुरानी बहुमूल्य धरोहर, जिसे खोज निकाला जिला प्रशासन ने। देवगढ़ इलाके के एक आदिवासी ने देवगढ़ के किले के आसपास सैकड़ों की संख्या में बावड़ियों और कुएं के बारे में जानकारी दी। इसके बाद हाथ लगा 16वीं शताब्दी की ऐतिहासिक धरोहर का खजाना। ये फैक्ट अपने आप में इतना ओवरवेलमिंग है कि इतनी बड़ी संख्या में कोई अपने जनता के लिए इस तरीके से कर सकता है। डेफिनेटली वो बहुत ही प्रगतिशील रहे होंगे जिन्होंने अपने लोगों के लिए एक सीरीज में बावलीज बनाए हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से करीब 45 किलोमीटर स्थित देवगढ़ 16वीं शताब्दी से ही अपने राजपाट और वैभव को लेकर चर्चा में रहा है। देवगढ़ गांव और आसपास के इलाके में 16वीं शताब्दी के गोंड शासकों द्वारा बनवाए गए कुएं और बावड़ियां हैं। भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण ये बहुमूल्य धरोहर तकरीबन 400 सालों तक मिट्टी और गाद की परतों तले दबी रही। अब इन बावड़ियों के पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। बावड़ियों की सूरत संवार कर उन्हें पुराने दौर की तरह चमकाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना संकट के बीच मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिल रहा है। मजदूर सीमेंट बालू के साथ ही चूना, बेल, उड़द और सुर्की का प्रयोग कर बावड़ियों को अपने मूल स्वरूप में लाने का काम कर रहे हैं। हम अगर सीमेंट से काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारा हम उसके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, तो उसको फिर थोड़ा सा कुछ कंजर्वेशन आर्किटेक्ट की मदद से हमने लाइम मोर्टार को ही वपरने का रखा है और अपने ही एस्टिमेट में उसको प्रॉपर करके और लगभग हम लोगों ने लाइम मोर्टार से ही उसको ट्रीट करना शुरू किया। ये बावड़ियां देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक हैं। इन बावड़ियों की जीर्णोद्धार के बाद बारिश के पानी का संग्रहण होने से क्षेत्र का जलस्तर बढ़ेगा, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी। जिले में इन पुरातन काल की बावड़ियों को संवारने एवं इनके संवर्धन का प्रयास किया गया है, जिसमें इस काल की लगभग 46 बावड़ियों एवं 16 कुओं की खोज कर ली गई है और आसपास के क्षेत्रों में इनकी खोज जारी है। देवगढ़ में प्राकृतिक और ऐतिहासिक छटाएं बिखरी पड़ी हैं, जिसे देखकर पर्यटक भी मंत्रमुग्ध हो जाएं। ऐतिहासिक बावड़ियां भारतीय भूमिगत स्थापत्य ढांचे की एक अनोखी मिसाल है। धरोहरों के लिहाज से भी देवगढ़ का किला और समृद्ध होगा, यहाँ पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। छिंदवाड़ा ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिहाज से देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। जो रियल कंट्री फील है उसको कैसे हम एक्सपीरियंस करा सकते हैं, तो डेफिनेटली छिंदवाड़ा के लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है कि ये पूरा हेरिटेज, पूरा हमारे पास एक कल्चरल बैंड हमारे साथ है और इसको अगर हम लोग नए तरीके से गढ़ सकें तो बहुत अच्छी बात निकल के आने वाली है।